निगम भिलाई के आयुक्त लोकेश चंद्राकर अपने प्रातः निरीक्षण के दौरान वैशाली नगर क्षेत्र के ओम शांति चौक के समीप पहुंचे और वहां व्यवसायियों द्वारा कचरा फैलाने के दृश्य को देखकर व्यापारियों को पहले कचरा न फैलाने की समझाइश दी और फिर चेतावनी भी दी। भिलाई निगम के आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने ओम शांति ओम चौक का प्रातः निरीक्षण किया, जहां उन्होंने प्रमुख सड़क के किनारे नारियल के खोडले को पड़ा हुआ देखा। यह कचरा बाजू में ही नारियल का व्यापार करने वाले द्वारा नारियल के उपयोग उपरांत कचरा फैलाना पाया गया। निगम आयुक्त ने चेतावनी देते हुए व्यापारी को समझाइश दी। उन्होंने कहा कि आसपास की स्वच्छता बनाए रखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, कचरा को इधर उधर न फेंक कर निर्धारित सफाई वाहन को देवें। उन्होंने कहा कि दोबारा कचरा फेंकते पाए जाने पर जुर्माना सहित अन्य नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ओम शांति ओम चौक से एकता चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर डिवाइडर में उन्होंने अनावश्यक झाड़ियों की सफाई कराकर वृक्षारोपण करने के निर्देश भी दिए हैं। शराब भट्टी के समीप उन्होंने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और समीपस्थ कुछ लोगों द्वारा इस खाली मैदान में कचरा डालने की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए आयुक्त ने कचरा डालने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि खाली स्थान में नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए और कचरा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ओम शांति ओम चौक के समीप बाजार क्षेत्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर नाली निकासी की व्यवस्था भी देखी। देखिए, माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका निगम भिलाई में स्वच्छ भारत की परिकल्पना को देखते हुए शहर को स्वच्छ रखने का काम किया जा रहा है और इसी तारतम्य जो है माननीय आयुक्त महोदय मॉर्निंग विजिट में निकल रहे हैं। मॉर्निंग विजिट के दौरान ऐसी जगहों पर जहाँ पर ऐसे लोग कचरा फेंकते हैं वो अचानक से जब पाया जाता है तो उनके पता साजिब की जाती है कि कौन है, किसने कचरा फेंका है यहाँ पे मुख्य सड़क के किनारे। तो ऐसे ही जो मामला है वो वैशाली नगर क्षेत्र के ओम शांति ओम चौक के जस्ट पास का है। वहाँ पर एक नारियल व्यवसायी है, उनके द्वारा कचरा बिल्कुल बगल में फेंका जा रहा था, जिसको हालांकि सफाई कर्मचारी ने आयुक्त महोदय के निर्देश पर उसे साफ किया, परंतु फिर भी व्यवसायी को जो है निगम आयुक्त महोदय ने समझाई दी है और उनको कहा है कि जो कचरा है वो निर्धारित आप सफाई वाहन को ही दें, कचरा अनावश्यक रूप से न फैलाएं। उनको चेतावनी देते हुए फिर यदि फिर भी बारम्बार यह प्रक्रिया दोहराई जाती है कचरा फैलाने की तो जुर्माना की वसूली की जाएगी। निगम आयुक्त ने पब्लिक फीडबैक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जोन स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मिश्रा भी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।